नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। दिग्गज कंपनी विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी का नाम भारत के शीर्ष के प्रमुख परोपकारियों में लिया जाता है। अजीम प्रेमजी अपनी कई संस्थाओं के जरिए देश में कई परोपकारी योजनाएं भी चलाते हैं, लेकिन इनकी चर्चा तब और ज्यादा होने लगती है जब किसी वित्त वर्ष में दान देने वालों की बात आती है, क्योंकि इस लिस्ट में अजीम प्रेमजी हमेशा ऊपर ही दिखते हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अजीम प्रेमजी ने वित्त वर्ष 2020-21 में कुल 27 करोड़ रुपए हर दिन दान किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने परमार्थ कार्य करने वाले भारतीयों के बीच अपना शीर्ष स्थान भी बरकरार रखा है, यानी कि भारत में दान दाताओं की लिस्ट में अजीम प्रेमजी का नाम सबसे ऊपर है। एडिलगिव हुरुन इंडिया फिलेथ्रोफी लिस्ट 2021 के अनुसार महामारी से प्रभावित वर्ष के दौरान भी प्रेम जी ने अपने दान में लगभग एक चौथाई की वृद्धि की है। अजीम प्रेम जी के बाद टेक्नोलॉजी के शिव नडार दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने परमार्थ कार्यों के लिए 1263 करोड़ रुपए दान किया है। आपको बता दें कि हाल ही में शिव नडार को भारत केंद्रित एक शीर्ष व्यापार वकालत समूह ने 2021 के अपने ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के लिए भी चुना था। US इंडिया बिजनेस काउंसिल ने पुरस्कार के लिए शिव नडार के चयन की घोषणा की थी। भारत और एशिया के सबसे अमीर शख्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। 2020-21 में उन्होंने परमार्थ के कार्यों के लिए 577 करोड़ रुपए दान किया है। देश के दूसरे रईस शख्स और अडानी ग्रुप के प्रमुख गौतम अडानी इस लिस्ट में 130 करोड़ रुपए का दान किया। वहीं इंफोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी की रैंकिंग में भी सुधार हुआ है और 183 करोड़ रुपए के दान के साथ उन्होंने सूची में पांचवा स्थान हासिल किया है। शीर्ष 10 दानदाताओं की लिस्ट में हिंदुजा परिवार, बजाज परिवार, अनिल अग्रवाल और बर्मन परिवार भी शामिल हैं। तो इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।